हाल ही में गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप को बैन किया है, जो प्राइमरी एजुकेशन और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जो मौलाना आज़ाद रिसर्च स्कॉलरशिप थी, ये दोनों भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। और इस तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसी का मिसयूज़ हो रहा है। आज तक देखते आए कि गवर्नमेंट ने जब भी जो भी पॉलिसीज़ बनाई है उसमें फंड्स और इंक्रीज करके देते हैं, महंगाई बढ़ते जा रही है और यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का जो हाल है किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सारे बीपीएल कैटेगरी में पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। और बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट प्राइमरी एजुकेशन के लिए 1000 रुपये की स्कॉलरशिप देती थी, वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। जबकि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट कम से कम पर मंथ 500 रुपीस पर स्टूडेंट तो देना चाहिए, तो साल के कम से कम 6000 रुपया हर स्टूडेंट को बीपीएल कैटेगरी के मिलना चाहिए। और इसीलिए माइनॉरिटी फ्रंट ने एक धरना रखा है, जुमा के दिन दोपहर 3 बजे से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस दिल्ली गेट औरंगाबाद पर। और मैं आप सब लोगों से ये अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, पेरेंट्स है और जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है जो ये अवेयरनेस रखते हैं, मैं चाहता हूँ कि सभी माइनॉरिटीज़ के लोग एक जगह आकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और गवर्नमेंट से अपने डिमांड को मनवाने के लिए अपनी ताकत का अच्छा मुजाहरा करें। और माइनॉरिटी फ्रंट ने इसके साथ साथ सिग्नेचर मुहिम भी शुरू की है, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर्स करके अपना एहतजाज दर्ज करना है। और होप कि आप सब लोग जुमा के दिन 23 तारीख को दोपहर 3 बजे बाद नमाज जुमा दिल्ली गेट डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर अपनी मौजूद रहकर ताकत का मुजाहरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।